फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक मैजिकल हेयर ऑयल की रेमेडी जो हम सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आजकल सभी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है और कम एज में ही बाल झड़ने लग जाते हैं और गंजापन आने लग जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है आजकल, पॉल्यूशन भरी लाइफ है, टेंशन्स हैं, आजकल का खाना पीना फास्ट फूड वगैरह का ज़्यादा खाना, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं और बिल्कुल पतले हो जाते हैं। हम बिना समय ख़राब किए हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमें लेना है इसके लिए प्याज, ये एक प्याज ले लिए हमने, इसके छिलके निकाल लिए हैं। प्याज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे बालों के लिए और ये हेयर्स की न्यू ग्रोथ भी करती है। अगर बाल गंजे भी हो गए हैं, सिर में बाल भी नहीं बचे हैं, तब भी ये आपके से बाल दोबारा निकल आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस प्याज को कद्दूकस कर लेंगे छोटे से ग्रेटर से। तो ये देखिए, ये पूरी प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये देखिए इसमें से ये रस भी निकलने लगा है। और अब हमें क्या करना है, ये मैंने 100 ml नारियल का तेल ले लिया है। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हो और कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हो, जो आपको पसंद है, या दोनों ही चीज़ें आधी आधी भी मिला सकते हो। अब इस तेल को हमने गैस पे रख लिया है, गरम कर लेते हैं। अब ये हमारा तेल गरम हो गया है, तो हम इसमें ये प्याज डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ प्याज और प्याज का रस। ये देखिए, अभी हमें इसे प्याज को इसमें ही 3 से 4 मिनट तक पकाना है। ये देखिए ऑयल में कितने अच्छे से उबाल आ रहा है और प्याज के जो भी गुण हैं, पोषक तत्व हैं, वो तेल में मिल चुके हैं। ये पकाते हुए अभी हमें 3 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 1 मिनट करीब और हम इसे पका लेते हैं। तो ये हमारा ऑयल अब पक चुका है, हमें इसे जितना पकाना था। अब आप इस टाइम पे गैस बंद कर दीजिए, इसे हल्का ठंडा हो जाने दें। ये देखिए, ये हमारा ऑयल अब ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का गुनगुना है। तो इस टाइम पे अब आप एक कोई भी बर्तन ले लीजिए या कोई कांच की शीशी ले लें, जार टाइप का या प्लास्टिक का, आप उसमें इसको इस तरह छन्नी लगा के छान लीजिए। ये हमें इसमें डाल लेना है, तरह से आप इसे चम्मच से ऐसे दबा करके इसका पूरा ऑयल निकाल लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा ऑयल एक जार में छान लिया है और अब इसको क्या करना है, अपने इसको ठंडा हो, अभी हल्का गुनगुना है तो ठंडा हो जाए तब आप इसका ढक्कन लगा के इसे रख दीजिए। और जब आप इसे यूज़ करेंगे तब आपने एक चम्मच से जितना लेना है उतना आप एक कटोरी में लीजिए और हल्का सा पानी गुनगुना करके उसमें ऊपर उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए ऑयल को, तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा उस टाइम पे अगर ये गुनगुना ऑयल आप लगाएंगे। अब इसको आपको क्या करना है कि रात में इसे आप लगाएं, अपने बालों में अच्छे से मसाज दें और रात भर ओवरनाइट इसे रख लीजिए। कुछ भी सिर में टॉवल वगैरह लगा लीजिए या दुपट्टा लगा लीजिए या वैसे, कोई दिक्कत नहीं। और सुबह जाके आप इसको शैम्पू कर लीजिए। इस तरह से आप इसे डेली कर सकते हो या फिर वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं, जब भी हमें हेयर वॉश करने होते हैं उससे एक नाइट पहले आप इसे लगा लीजिए और आप इसके फायदे खुद ही देखेंगे। 3-4 यूज के बाद में आप इसका फायदा खुद देखेंगे कि आपके बाल जो झड़ रहे थे, जो इतने सारे गुच्छे गुच्छे निकल रहे थे जिन्हें देख के आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, तो वो सारे झड़ना रुक जाएंगे और आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और नए बाल भी निकलने लग जाएंगे। अगर सिर के ऊपर से गंजापन आना शुरू हो गया था तो वहां पे आपके नए बालों की ग्रोथ आने लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।